हेलो गाइज, आप कैसे हो। मैं आपको आज इलेक्ट्रॉनिक के ये दो मल्टीमीटर दिखाने वाला हूँ। ये दोनों मल्टीमीटर अपने बिजली को चेक करने में, रजिस्टर चेक करने में, डायोड चेक करने में और डीसी बैटरी चेक करने में काम आते हैं। तो मेरे पास ये दो मल्टीमीटर हैं, इनका डिफरेंस बताने वाला हूँ और क्या क्या ऑप्शन इसमें कम है, इसमें ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा, इसमें कम, दोनों में बताने वाला हूँ। तो वीडियो तक एंड तक बने रहना और वीडियो स्किप मत करना, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले मैं इस मल्टीमीटर को ले लेता हूँ। इस मल्टीमीटर के नुकसान भी बताऊँगा और आपको फ़ायदे भी बताऊँगा। नुकसान तो है ही नहीं इसमें, बहुत अच्छा मल्टीमीटर है ये भी। इसके आपको बैक कवर, एक सेफ्टी के लिए आपको बैक कवर मिल जाता है इसमें। ये इस तरीके का इस पर स्टैंड भी मिल जाता है, मैं आपको स्टैंड लगाकर भी दिखाऊंगा, वीडियो में बने रहें। इस तरीके का आपको एक इसमें कवर मिल जाता है। इसके बाद आपका अपना मेन मल्टीमीटर आता है, उसके पीछे कुछ वार्निंग लिख रखी हैं, आप रीड भी कर सकते हो। और यहाँ पर दो स्क्रू है, इसको खोल कर आप अंदर से अपनी बैटरी वगैरह चेंज कर सकते हो। इसके अंदर 9 वोल्ट की बैटरी होती है, लिखा हुआ देख सकते हो, 9 वोल्ट ओनली बैटरी। तो इसको आप, इसमें आपको तीन प्रोप मिलती हैं। ये 10 एम्पियर का मतलब यहाँ पर आपको देख सकते हो 10 एम्पियर चेक कर सकते हो। एम्पियर चेक करोगे आपके पास ये दो प्रोप होती हैं, एक रेड और एक ब्लैक। तो अपने रेड हमेशा इसमें कॉमन में तो हमेशा ब्लैक आएगा, आपको यह तो बदलने की ज़रूरत है नहीं, कॉमन में हमेशा ब्लैक डलेगा। ये देख सकते हो डलेगा, ये कॉमन आप देख रहे हो, इसमें ब्लैक डलेगा। और यहाँ पर और जो भी चीज़ आप यूज़ करो तो इसमें आपका रेड लगेगा। अगर आपको सिर्फ 10 एम्पियर चेक करने हैं तो ये रेड वाला निकल कर यहाँ पर आएगा, बस इसी के लिए यूज़ है। वरना तो आप इस दो प्रोब को इसी में डाले रखो, आपका सब कुछ चेक हो जाएगा, रजिस्टेंस वगैरह जो भी कुछ चेक करना चाहते हो आप। और इसके बाद आपको ये एक यहाँ पर एक बटन मिल जाता है, इसको आप दबाओगे तो आपके पास है एक ये इस साइड है। जैसे कि आप कुछ भी यहाँ पर जैसे 20 वोल्ट पर सेट कर दिया डीसी वोल्टेज पे, तो मैं कोई भी बैटरी चेक करूँगा, मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ एक बार। जैसे मैंने एक ये बैटरी ले ली है, इसके दोनों सिरों पर मैं यहाँ पर अटैच करता हूँ, तो यहाँ पर ये 1 वोल्ट से कम दिखा रही है, कम चार्ज है। तो इसको मैं यहीं पर रोकना चाहता हूँ, तो आप इसको दबा सकते हो, ये यहीं पर वोल्टेज रुक जाएगी। आपको याद ना रहे, आप कुछ भी काम करें आपको याद नहीं रहे, तो यहाँ इस वोल्टेज को रोक सकते हो। अगर वापस से करोगे तो ये 0-0 आ जाएगा। इसके बाद आपको इस बटन से आपको यहाँ पर लाइट देख सकते हो, रात को अंधेरे में आपको ना दिखे तो यहाँ पर एक लाइट का ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ पर एक छोटी सी टच स्क्रीन नहीं है, वैसे स्क्रीन मिल जाती है इसके अंदर आपको। और इसमें भी बहुत ज़्यादा ऑप्शन है इसके, ये तो इतने ही ऑप्शन थे। अगर मैं दूसरे की बात करूँ, ये आप बाज़ार के अंदर 500 या 600 रुपये के बीच में मल्टीमीटर मिलेगा अच्छे वाला, और ये कम क्वालिटी वाला है, ऐसा ही सेम टू सेम आपको थोड़ा 200-250 में मिल जाएगा। और एक ये है इसका कवर, इसको मैं पता ही थे आप यूज़ कर सकते हो, तो मैं आपको एक बार यूज़ करके दिखा देता हूँ। और यहाँ पर इस आप काम करने के बाद यहाँ पर ऑफ़ भी कर सकते हो। इसके पीछे आपको स्टैंड इसे खोल कर यहाँ पर ऐसे रख भी सकते हो, देख सकते हो दोस्तों, ऐसे रख सकते हो आप, इसको ऐसे रख सकते हो। और अब मैं दूसरे की बात करूँ आपको, तो हमारे पास एक ही मल्टीमीटर मिल जाता है आपको। इसका नुकसान है, ये नुकसान है इसके ये हैं, आपको इसके पीछे कवर नहीं मिलता। इसके बाद पीछे भी आप देख सकते हो वार्निंग वगैरह का कुछ डिटेल लिखे रखे हैं। इसमें 9 वोल्ट की बैटरी यूज़ होती है, यहाँ पर आप खोल कर बैटरी चेंज कर सकते हो। और इसके बाद इसमें भी आपको तीन प्रोप मिल जाती हैं, मैंने समझाया था कि 10A ओ। यहाँ पर सबसे पहले हम कॉमन में हम ब्लैक डाल देते हैं, सबसे पहले कॉमन में ब्लैक डलेगा। कॉमन में आप हमेशा ब्लैक रखो, और रेड का यूज़ आप 10A में करोगे तो आप 10A यहाँ पर ये रहा 10A में यूज़ कर सकते हो। और आपको बिजली चेक करनी है, डीसी वोल्टेज चेक करनी है, तो आप हमेशा इस वोल्टेज के वी, ये आप देख सकते हो निशान दिख रहा है, इसके अंदर रेड डाल दो तो ये आपके ऐसे यूज़ होगा। अगर आपको 10 एम्पियर पे यूज़ करना है तो 10 एम्पियर चेक करने हैं तो रेड को यहाँ पर लगा लो, कॉमन को यहीं पर रहने दो। इसके बाद इसमें भी
वही ऑप्शन मिल जाते हैं। इसमें एक नुकसान और है, मुझे तो मैं ही ये है सजेशन दूंगा कि आप ये वाला मल्टीमीटर खरीदें। इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं आपको। इसके अंदर आपको ये वो वोल्टेज एक जगह रोकने का ऑप्शन मिलता है, इसके अंदर आपको नहीं मिलता। इसके अंदर आपको वो ऑफ चालू करने के बाद आपको ये लाइट का ऑप्शन मिल जाता है, इसके अंदर आपको लाइट का ऑप्शन नहीं मिलता। तो इसमें मैं तो सजेस्ट करूँगा आपका, एक बार पैसे लगेगा तो आप अच्छी जगह लगाओ और अच्छा मल्टीमीटर खरीदो। ये आपको बाज़ार के अंदर 100 150 रुपये मिल जाएगा। ये भी देखो इस तरीके से ऑन होता है, यहाँ पर ये रीडिंग आ चुकी है। और तो इसमें कुछ है नहीं, ये सिंपल वाला है। मैं तो सजेस्ट ये करूँगा ये वाला लो, इसके अंदर भी आपको यही ऑप्शन मिल जाते हैं। ऑप्शन इसके ज़्यादा आपको इसमें ज़्यादा मिलते हैं। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप अगर आप ख़रीदना चाहते हो तो ख़रीद भी सकते हो, और अगर इसको ख़रीदना चाहते हो तो इसको भी ख़रीद सकते हो। इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।